आज गणतंत्र दिवस के मौके पर पूरे देश में ध्वजारोहण किया जा रहा है। इसी श्रृंखला में नागपुर रेल द्वारा DRM के हाथों ध्वजारोहण किया गया, जहां परेड द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी गई। साथ ही साथ देशभक्ति पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था। बताते हुए हर्ष हो रहा है कि नागपुर मंडल ने लोडिंग के मामले में बहुत ही बेहतर प्रदर्शन किया है। हमने अब तक 48.49 मेट्रिक टन लोडिंग की है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 13.62% अधिक है, और यह निश्चित है कि हम अपना 48 मेट्रिक टन के टारगेट को भी पार कर देंगे। राजस्व के मामले में मंडल सबसे अच्छा कर रहा है। इस वर्ष दिसंबर तक 4,785 करोड़ का राजस्व अर्जन किया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 16.6% अधिक है। मंडल का भार इंटरचेंज से पता चलता है। हमने 23-24 में औसतन प्रतिदिन 220 गाड़ियों का इंटरचेंज किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के मामले में तीसरी लाइन का कार्य प्रगति पर है। इस वर्ष मात्र 9 माह में हमने 93 किलोमीटर की लाइन बिछाई है, जो कि मध्य रेल की कुल 160 किलोमीटर का 70% है। नागपुर स्टेशन तथा अजनी स्टेशन रीडेवलपमेंट कार्य को भी गति प्राप्त हुई है।
संपूर्ण नागपुर मंडल की मुख्य लाइन इटारसी से बलारशा तथा नागपुर से बडनेरा रूट की गति 120 से 130 केएमपीएच की गई है। टिकट चेकिंग के मामले में हमारे टीजी स्टाफ ने इस साल 29.36 करोड़ रुपए की वसूली करके शानदार सफलता हासिल की है। मैकेनिकल विभाग द्वारा राजस्व बचत के मामले में बहुत अच्छा कार्य किया जा रहा है। खराब वैगनों को साइडिंग में जगह पर ही ठीक करके लोडिंग उपयुक्त बनाया जा रहा है। इस वर्ष दिसंबर तक 1,02,460 वैगनों का रिपेयर करके 680 करोड़ का राजस्व बचाया है। हमारे आरपीएफ जवानों ने ऐसे कई कार्य किए हैं जिससे भारतीय रेल का शीर्ष गर्व से ऊपर उठा है। स्टेशन पर पैसेंजर को चलती गाड़ी से ट्रेन और प्लेटफॉर्म के पीछे गिरते हुए देखकर हमारे जवान ने उन्हें रन ओवर होने से रोका तथा गाड़ी रोककर उनकी जाने बचाई। इसके अलावा उन्होंने सीसीटीवी के माध्यम से कई गुनहगारों को पकड़ने का कार्य किया। गांजा शराब जैसे मादक पदार्थों को ढोने वालों को तो वो अक्सर पकड़ते रहते हैं। महिला समाज समिति भी अपने स्तर पर गतिविधियां करती है। CRWWO द्वारा चलित बालक मंदिर अच्छी शिक्षा देने का कार्य कर रहा है। मैं मंडल पर सभी कार्यक्रमों की सफलता के लिए सहभागी मान्यता प्राप्त ट्रेन यूनियन के तथा एसोसिएशंस के सभी पदाधिकारियों के सकारात्मक सहयोग के लिए सौहार्दपूर्ण औद्योगिक संबंध बनाए रखने, बहुमूल्य मार्गदर्शन करने और योगदान के लिए आभार व्यक्त करता हूँ। यह सर्व विकास समझे मध्य रेल कर्माच्य कुंडुबताली सर्व सदन सांचा महत्वाचा वाटा आहे त्यासाठी मी रेल परिवारचे सर्व संध्यान सच्चे हृदया पासून आभार मानतो। धन्यवाद। मराठी बोलने में अगर थोड़ी सी त्रुटि हो गई है तो माफ कर दीजिएगा। धन्यवाद।